खुश आमदीद। तो मेरी सुबह तो हो गई है और आज का वीडियो बिल्कुल व्लॉग है। तो सुबह सुबह मैं ले रही हूँ एक वाशिंगटन एप्पल और साथ में ले रही हूँ ये डेट्स। तो मेरी सुबह आजकल ये खाकर हो रही है, लेकिन उससे पहले मैं लेती हूँ अपनी थायराइड की गोली, क्योंकि उसके बिना मतलब थायराइड पेशेंट का गुजारा ही नहीं होगा ना। एक मतलब क्या कहूँ, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे जिनको भी थायराइड होगा ना, तो उन्हें सबसे पहले टेंशन यही होगी कि सबसे पहले थायराइड की गोली खानी है, पर इसका कोई समझ में ही नहीं आता कि कैसे इलाज किया जाए। तो चलिए, हो गया भाई मेरा थायराइड की गोली हो गई, नाश्ता हो गया। मैंने नाश्ता में आज भिंडी की भुजिया और पराठा बनाया था। उसके बाद महरीन का ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाता है, तो उसमें लग जाना होता है महरीन के पीछे, और महरीन को सुबह जल्दी उठाकर उसको रेडी करके ब्रश वगैरह, नहाना हुआ तो नहाना, और नाश्ता करा लेने के बाद महरीन को मैं लेकर बैठ जाती हूँ, और वो जो भी एक्टिविटीज़ होती है, मतलब टीचर तो कंप्यूटर पे बोलते रहते हैं, करवाना तो ख़ुद को ही है, तो महरीन को मैं समझती हूँ, फिर महरीन को समझाती हूँ, फिर मैम की बातें वो भी सुनती है, और फिर सुन सुन कर वो सारे चीज़ देख देख कर करती है, तो अच्छा फील होता है। मतलब महरीन का दिन अगर अच्छा गुजर जाए ना, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो ऐसा लगता है कि सभी माओं को ऐसा ही लगता होगा ना, कि अगर उनके बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, अच्छे से हर चीज़ को समझ रहे हों, जो भी उनके साथ उनको दिया जा रहा है पढ़ाई लिखाई में, तो माँ को बहुत खुशी होती है। मुझे तो बहुत खुशी होती है, आप लोगों को भी ऐसा ही होता होगा। तो यहाँ पे महरीन बना रही स्प्रिंग सीज़न, उसको सीज़न का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, विंटर समर स्प्रिंग ऑटम। तो यहाँ पर उसे स्प्रिंग सीज़न बताया जा रहा है कि स्प्रिंग सीज़न होता क्या है, जहाँ बहुत सारे फ्लावर्स ब्लूम करते हैं जिस सीज़न में, और न्यू बटरफ्लाइज, न्यू फ्लावर्स, न्यू लीव्स ट्री पे आते हैं, तो उसे स्प्रिंग सीज़न कहते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट बच्चे में बिल्ड किया जा रहा है। मतलब जिस ऑनलाइन क्लासेस में मैंने महरीन को लगाया, रियली बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि महरीन के साथ साथ मैं भी सीख रही हूँ, क्योंकि नए नए तरीक़े से बच्चे को कोई चीज़ बताना, समझाना, और कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे ये बहुत ईजी था, ये तो मतलब हम लोग भी ऐसा कर सकते थे माइंड लगा कर। तो पहले तो समझ में नहीं आता कि महरीन की स्टार्ट कैसे करूं, पढ़ाई किस तरफ से स्टार्ट करूं, क्योंकि बहुत वास्ट दिख रहा था मुझे। ए बी सी डी 1 2 3 को छोड़िए, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं, मैं और महरीन को, इतने छोटे बच्चे को उसके ब्रेन में कौन से कॉन्सेप्ट किस तरह से डालना ना, वो रियली में नहीं पता होता। लेकिन जब अभी वो पढ़ रही है, तो अब समझ में आ रहा है कि मतलब स्कूल वगैरह उसको कितना इजीली बच्चों को डेवलप कराते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, बच्चों को बहुत सारा इनिशियल स्टेज में बहुत सारे वर्ड्स बच्चे के माइंड में आने चाहिए, मतलब उनका जो वर्ड पावर है ना, वो बढ़ाने के लिए हर चीज़ को कलर करके, पिक्चर ड्रॉ करा के बच्चे को वो चीज़ माइंड में डेवलप कराया जाता है। तो ऐसे अगर बच्चों को बताया जाएगा जैसे स्प्रिंग सीज़न, उसमें बटरफ्लाई है, उसमें फ्लावर्स है, तो बच्चों को नहीं समझ में आने वाला। लेकिन अगर उसी चीज़ को ड्रॉ करके, कलर करा के बच्चे को एक एक्टिविटी के रूप में दिखाया जाए ना, तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, समझते हैं, और उन्हें बहुत जल्दी मतलब उस चीज़ को ग्रैप कर लेना होता है। तो ऐसा मुझे भी फील हो रहा है, मुझे पहले लगता था कि इस तरह से कराया जाए, लेकिन जो अब हर चीज़ को ड्रॉ और कलर करके, एक्टिविटी करा के उसको करा रही हूँ ना, उसको बहुत जल्दी हर चीज़ समझ में आ रही है, बहुत जल्दी वो इसको सीख रही है। तो बहुत इजी है ये, अगर आप भी छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं घर पे ना, तो हर चीज़ को ड्रॉ करके, कलर करा के, बना कर दिखाएं, मोबाइल पर पिक्चर्स वगैरह, वीडियोस वगैरह दिखाएं, ड्रॉ करके दिखाएं, तो बच्चे इतना जल्दी सीखेंगे ना, और वो सब वर्ड को वो भूलेंगे नहीं। महरीन रियली बहुत अच्छा कर रही है, और वो कोई भी चीज़ को भूल नहीं रही है। तो ये तो महरीन की पढ़ाई को लेकर था, और भी क्या क्या हो रहा है उसके साथ मैं आपको डेली अपडेट करती रहूँगी, अगर आप मेरा वीडियोज़ देखते रहेंगे तो। अगर ये चीज़ अच्छी लग रही तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो महरीन के ऑनलाइन क्लास के बाद अब बारी आ जाती है मेरी दोपहर का लंच बनाना। तो मैंने तो ब्रेकफास्ट में बनाया था लेडीज़ फिंगर, भिंडी की भुजिया, तो अब दोपहर में मुझे खाने का मन कर रहा है ये बैंगन, और साथ में दाल चावल, सलाद, पापड़, रायता, अचार, ये सब रहेगा। आम तो मतलब डिफ़ॉल्ट है, हर चीज़ के साथ आजकल आम खा रहे हैं, आप भी खा रहे हो कि नहीं बताना नीचे कमेंट करके। तो बैंगन का जो डंठल होता है ना, मुझे सब्ज़ी में चाहिए। बहुत लोग डंठल को काट कर फेंक देते हैं, तो मैं ना डंठल के साथ बैंगन बनाती हूँ, मेरे बहुत टेस्टी बनता है, क्योंकि अगर डंठल फेंक दूँ तो मुझे लगता है कि बैंगन का सारा मज़ा ही चला गया। पर बहुत लोग फेंक भी देते होंगे, मेरे तरह नहीं होंगे, पर मुझे डंठल वाला बैंगन ही पसंद है।
तो मैं इसे बहुत झटपट तरीके से आज बना रही हूँ, लेकिन इस तरीके से भी बैंगन बहुत अच्छा बन जाता है। कुछ नहीं करना, बैंगन को इस तरह से मैंने लंबा लंबा काट लिया, मैंने पूरे बैंगन को नहीं बनाया, मैंने हाफ़ को रख दिया और हाफ़ को ही बनाया है। उसको थोड़ा देर मैं पानी में डुबा हुआ छोड़ दूँगी ताकि बैंगन का जो भी कड़वापन है या कसैलापन है वो पानी में आ जाए। मैंने यहाँ पर प्याज कट करके रखना है, टमाटो कट करके रखना है, ग्रीन चिलीज़ मैंने दे दिया क्योंकि मैं रेड चिली नहीं डालती हूँ। मैं कश्मीरी मिर्च कलर के लिए भले यूज़ करती हूँ, पर मैं लाल मिर्च जो तीखा होता है वो नहीं यूज़ करती हूँ, तो मैंने ग्रीन चिली लिया है, आलू लिया है और थोड़ा सा प्याज आप देख लें मैंने इसे काट लिया। तो जब तक मैं इसे कट करी फिर मैं आगे बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। पहले कट छिल गए हैं और अब मैं बैंगन को धोकर कढ़ाई में थोड़ा सा फ्राई करूंगी। तो मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है और यहाँ पे मैं कढ़ाई में बैंगन को थोड़ा थोड़ा लाइट फ्राई करूंगी। ऐसा नहीं कि वैसे फ्राई करके एकदम क्रिस्पी कर देना, ऐसा नहीं, लाइट फ्राई करना है। और यहाँ मैंने कुकर चढ़ा रखा है, उसमें मैं फिर से मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, फिर साथ में मैं डालूंगी मेथी दाना और ज़ीरा, और उसको जब वो तड़क जाए या कड़क जाए जो भी कह लीजिए हो जाए, तो उसमें मैं प्याज लहसुन सब ऐड करके उसको थोड़ा सा भूनूंगी। टमाटर ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा टमाटर बचा के रखूंगी, थोड़ा ऐड कर दूंगी। फिर उसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये सब मैं डाल दूंगी और सबको अच्छे से चला लूँगी। और मैंने नमक भी इसमें डाला, हर उसको सब चीज़ को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और मैंने एक क्लिपिंग छोड़ दी यहाँ पे, मैंने काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा का भी पाउडर इसमें दिया था, तब जाकर मैंने कुकर में थोड़ा पानी देके कुकर को बंद कर दिया ताकि ये सारे मसाले गल जाएँ। जब तक वो सारे मसाले गल रहे हैं कुकर में, तब तक मैं यहाँ पर महरीन के लिए एक ऑमलेट तैयार कर रही हूँ। ऑमलेट नहीं बोलेंगे, पोच बोलेंगे, शायद पोच ही बोलते हैं, पता नहीं क्या, मतलब खड़ा अंडा फ्राई कर रहे हैं। मतलब उसके लिए उसने कहा कि भूख लग रही है क्योंकि ऑनलाइन क्लास के बाद उसे भूख लग जाती है, तो उसको मैंने नाश्ता करा दिया था और उसे मैंने बनाना भी खिलाया था, लेकिन यहाँ पे उसको फिर से भूख आई है तो मैंने उसे ये एग का पोच कह लीजिए, खड़ा अंडा मैंने उसे फ्राई करके दे दिया है काली मिर्च पाउडर डालकर। उसे बहुत पसंद है और बहुत अच्छे से खा लेती है। तो ये सब चल ही रहा था, तो अब मैं आपको दिखा दूं कि मैंने चावल भी चढ़ा दिया है। मैंने आपको बताया था पिछले अपने व्लॉग में कि मैं चावल जब भी बनाती हूँ तो मैं उसे भिगोकर आधा घंटा पहले रख देती हूँ, तब मैं उसे पकाती हूँ। इससे ना चावल बहुत ईजली और बहुत अच्छे से पकता और ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाता है। साथ में मैंने कुकर भी खोल दिया है, कुकर में सारा मसाला पक चुका है, गल चुका है, उसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाला है, उसको अच्छे से भून लिया था। उसके बाद मैंने इसमें कटा हुआ आलू, कटा हुआ जो टमाटर मैंने बचा के रखा था वो डाला, लाल मिर्च ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्च जो खड़ी मैंने काट के रखी थी वो डाला, और सबको मैंने अच्छे से भून लेना है। जब अच्छे से भून जाएगा तो मैं इसमें सारा चीज़ बैंगन और पानी देकर इसे अच्छे से भून कर पानी देकर गला मतलब मैंने सीटी लगा दिया है। अब ये अच्छे से गल चुका है, मैंने उसे फिर से भूनना है धनिया पत्ती देकर, और ये बैंगन की टेस्टी वाली झटपट सी वाली सब्ज़ी रेडी हो जानी है। बहुत अच्छा लगता है चावलों के साथ, मैं तो हमेशा बनाकर खाती हूँ। और यहाँ पर मेरी धुलाई हो रही है, तो मैंने आला और वैनिश लिया हुआ है, और वैनिश और आला में क्या डिफरेंस है इस पर भी मैंने एक वीडियो बना ली है। उसके बाद संडे का दिन था ना, तो हम लोग गए थे क्राउन इंटीरियर जो कि फरीदाबाद में है, वहाँ हम लोग गए थे क्योंकि महरीन के चाचू को अंकल को लेना था एक मोबाइल, तो उन्होंने कहा कि चला जाए, आज संडे है, थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी और मोबाइल भी परचेस कर लेना होगा। तो हम लोगों ने भी कहा कि हाँ हाँ ठीक है चलिए, थोड़ा मज़ा मस्ती करना चाहिए, घर में बैठे बैठे बोर हो गए थे रियली बहुत दिन से। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं, ये फरीदाबाद का सबसे बड़ा मॉल है और सबसे ओल्डेस्ट, तो हम लोग वहाँ फर्स्ट टाइम गए थे। महरीन के चाचू जो है वो हमेशा जाते रहते हैं, तो उन्होंने ही कहा कि यहाँ पे चलते हैं हम लोग। तो फिर हम लोग गए, तो बाहर का कुछ ऐसा लुक था, फिर हम लोग पार्किंग गए, पार्किंग में हम लोगों ने गाड़ी लगाई, और उसके बाद फिर हम लोग ऊपर गए, तो ऊपर हम लोग क्रोमा गए। और यहाँ का जो रिलायंस है ना वो बहुत बड़ा है, आप अगर फरीदाबाद दिल्ली की साइड में रहते हो, अगर इस मॉल को विज़िट करते हो तो उसके रिलायंस के एरिया में ज़रूर घूमना, तो आप देखिएगा कि बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा ये ग्राउंड फ्लोर पे है। और फिर हम लोग गए थे क्रोमा, और महरीन का कहना नहीं, महरीन ने तो मतलब वहाँ जितनी भी बच्चों वाली गाड़ियाँ होती हैं प्ले हाउस बना हुआ रहता, बस उसको था कि मुझे वहाँ छोड़ दो,
तो फिर हम लोग उसे लेकर गए कि थोड़ा बच्चा मस्ती कर ले। तो महरीन ने प्ले हाउस में आकर बहुत सारी मस्तियाँ की, उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। रियली बच्चे स्कूल को बहुत मिस करते हैं ना, फ्रेंड को बहुत मिस करते हैं। अगर स्कूल होता तो ये सब माहौल उसको मिलते ही रहता, लेकिन स्कूल ना रहने की वजह से मतलब ये सब चीज़ों को देखकर वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं खुश हो जाती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। हर बच्चे होते होंगे लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो महरीन के यहाँ पर कुछ मस्ती और मज़ा हो रहा है और हम लोग मोबाइल परचेज़ किए, मतलब महरीन के चाचू ने मोबाइल परचेज़ किया। फिर हम लोग ऐसे ही मॉल में विंडो शॉपिंग करते रहे ऊपर नीचे, और फिर लास्ट हल्दीराम में जाकर हम लोगों ने छोले भटूरे खाया और रसगुल्ला खाया, और बस हंसी बात खुशी शेयर करते हुए हम लोग फिर इस मॉल से निकल गए थे। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना संडे स्पेंड किया। आप लोगों ने भी कुछ अच्छा किया ही होगा ज़रूर, तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। तो ये व्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन बाय बाय।